अभी मैं स्कूल से आई हूँ, मेरा आज लास्ट पेपर था, मैंने वो दे दिया और काफी ज्यादा सही सही हुआ पेपर। एंड यहीं पे हमारी 9th क्लास होती है खत्म। एंड अभी मैं पराठे का नाश्ता कर रही हूँ और बाहर हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। उसके बाद शाम के वक्त मैं पार्क में गई थी तो देखा एक दो बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए थे और ना जाने वो क्या तोड़ के खा रहे थे। तो फिर मेरा भाई मुझे बता रहा था कि वहाँ पे है ना शहतूत का पेड़ है, मतलब छोटे छोटे से कीड़े टाइप के दिखते हैं, रेड रेड होते हैं, मतलब बेरीज टाइप के होते, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बलून पर पेपर लगा रही थी, इस पर मैं कुछ खुराफाती चीज़ बना रही थी। आपको पता है मैं क्या बना रही हूँ? मतलब आप ऐसा गेस कर सकते हो क्योंकि आपने मेरे मेन चैनल पे वीडियोस में देखा होगा। उसके बाद हमने खाई गुंजिया, उसके बाद मेरे खुराफाती दिमाग और मैंने बनाई एक सस्ती नैनो टेप बॉल। अगले दिन जब मैं गुंजिया खाने गई तो उसके अंदर सिर्फ एक पीस बचा रहा था जो शायद मेरे लिए होगा, तो उसमें से मैंने आधा लिया और मैं खा गई। किसी और का हुआ तो भी क्या पता। उसके बाद लगभग 3-4 बजे मैंने वीडियो शूट कर लिया था, आप मेरे आंखों में काजल देख सकते हो कैसा छलक रहा है। उसके बाद शाम के वक्त मैं फिर से ना वो बलून लेके बैठ गई, उसके ऊपर पेपर लगा रही थी आराम आराम से। और क्या, उसके बाद मेरा प्यारा भाई मुझे परेशान करने आ गया। फाइनली इसके ऊपर मतलब बलून के ऊपर पेपर लग गए, तो मैंने इसके ऊपर 3-4 लेयर की ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए काफ़ी अच्छे से। अगर आपको बिलीव नहीं होता है ना कि ये हार्ड है या नहीं, तो इसका मैंने टेस्ट भी दिया है कुछ इस प्रकार। बलून के हार्डनेस चेक करने के बाद मुझे लगा कि इसके फूटने या फिर इसको निकालने का वक्त आ गया। जब मैंने इसे निकाला तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बलून था वो पेपर से काफ़ी ज़्यादा टाइट चिपक गया था, तो मैंने इसे फिर से फुलाया और इसे मैंने मतलब ट्राई किया फुलाने की, फूल गया और मैंने फिर से गिठान बांध के रख दिया। मैंने सोचा कि बाद में करूँगी वापस, थोड़ी देर बाद फिर से मैंने इसको काटने का ट्राई किया क्योंकि पता नहीं मेरे दिल में ऐसी भावनाएं आ रही थी कि ये हो चुका है, पर ये नहीं हुआ था। पहली बार में मैं फेल हुई, मैंने फिर से दूसरी बार ट्राई किया। जब मैंने इसे दूसरी बार काटा तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा ये गया, पर भगवान की कृपा से ये निकल गया। पर पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा पास पास हो गया, तो उसे मैंने सही कर दिया। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, गेस कीजिए और कमेंट में बताओ।